आदरणीय दीक्षित जी को नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ, दैनिक जागरण का आभार व्यक्त करता हूँ भाई डॉक्टर सुरेश जी की वजह से मैं आपके मध्य में मुझे बुलाया। एक निवेदन मैं पहले कर देना चाहता हूँ मित्रों, जो बात आपको अच्छी लगे तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि अच्छे श्रोता वो ही होते हैं जो बात को एक ही बार में समझ लें। मुझे ध्यान है रजनीकांत ने एक बार एक बच्चे को डांट दिया था, चुप रहो, बच्चा प्रधानमंत्री बन गया पर 10 साल तक नहीं बोला। तो बात को आप एक ही बार में समझें। मैं कुछ राजनीतिक टिप्पणियां करूंगा, वर्तमान की भी पुरानी भी, उनको आप पकड़ लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसी चुनाव में आप देखिए, चुनाव आयोग पर आरोप लगे कि उसने पक्षपात किया, दो पुरुष नेताओं पर बैन लगाया 72 घंटे का, दो महिला नेताओं पर बैन लगाया 48 घंटे का। मैंने कहा इसमें कोई पक्षपात नहीं है, महिलाएं जितना 48 घंटे में बोलती हैं, पुरुष को बोलने में 72 घंटे लगते हैं। बहुत अच्छे, हाँ बात आप तक पहुंचे तो तालियां एक बार पूरा सदन बजा के देखा। बहुत बढ़िया, ये स्थितियां इन चुनावों में खूब हुई, बधाई देता हूं भाजपा को इस शानदार जीत दर्ज की। कल ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई रॉबर्ट वाड्रा की बेल रद्द कराने, तो कल से ही रॉबर्ट वाड्रा ने नारियल पानी छोड़कर बेल का जूस पीना शुरू कर दिया। अजीब स्थितियां होती हैं। अभी तो 2 साल पहले योगी जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन किए, बूचड़ खाने बंद कर दिए, एंटी रोमियो स्क्वाड चला दी। तब मैंने एक बारीक बात कही और लखनऊ में इस बात को बहुत बढ़िया ढंग से समझा जाएगा। मैंने कहा योगी जी के लखनऊ में आने के बाद लखनऊ में चिकन के नाम पर बस कुर्ते ही कुर्ते रह गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। वो एक आदमी पहुंच गया रेस्टोरेंट में, बोला चिकन में क्या, कई दिन से कुछ बना ही नहीं, मैनेजर झल्लाया हुआ, कहने लगा कुर्ते ही लाऊं खाएगा। उसने कहा मेरा मतलब है आप मुर्गे नहीं बनाते। मैनेजर बोला मुर्गे आजकल यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं, वो लड़कियों के स्कूल के बाहर और पार्कों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बनाते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा मैं बता दूं, हमारा किसी दल विशेष से कोई मतलब नहीं है, हम कवि लोग हैं, सभी दलों पर बराबर मेहरबानी रखते हैं। वजह यह है कि आपको पता होगा भाजपा ने 3 साल तक पीडीपी के साथ सरकार बनाई, बाद में कांग्रेस उसके साथ सरकार बनाने को तैयार हो गई, वो तो राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। तब मैंने 2 बात कही, उससे आपको हमारा चरित्र पता लग जाएगा। मैंने कहा पहले भाजपा पीडीपी, बाद में कांग्रेस पीडीपी, क्या रखा है चिंतन में, बैठ के बेटा पीडीपी। बहुत अच्छे, बढ़िया वेदवा। तो इन दलों के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, इसलिए मैं हर दल की बात करूंगा। किसी का समय खराब आते हुए पता नहीं लगता। जो कांग्रेस 2014 में भी और इस बार में भी वापस सत्ता में आने का दावा कर रही थी, समय खराब आया तो वो विपक्ष लायक भी नहीं बची। कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए कि ज्योतिषियों तक ने हाथ देखना छोड़ दिया। और आपको उत्तर प्रदेश का बड़ा परिवार मुलायम जी वाला, उस परिवार में भी पिछले चुनाव में जो झगड़ा हुआ था आपको पता है, उन्होंने लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाया, शुरुआत में ही मिराज और सुखोई विमान उतारे, लेकिन समय खराब आया। तब क्या हुआ, तब मैंने कहा कि जिनके इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पर उतर आते थे, समय खराब आया तो वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मुलायम जी कह रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता, परिवार में झगड़ा इतना बढ़ गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। एक आदमी ने कहा कि नेताजी आप अपनी बात रिकॉर्ड करो, खुद सुनो और समझ के दिखाओ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तालियां। बड़ी अजीब अजीब स्थितियां होती हैं मित्रों। आदरणीय सुरेंद्र जी हमारे बीच में बैठे हैं, आप जानते हैं कितने हाजिर जवाब आदमी हैं। पिछले दिनों हवाई जहाज में चढ़ रहे थे तभी इनके कानों में आकाशवाणी हुई, इस हवाई जहाज में मत चढ़ना ये क्रैश हो जाएगा, डर गए। रेल में चढ़ने लगे फिर आकाशवाणी हुई, इस रेल में मत चढ़ना ये पटरी से उतर जाएगी, फिर डर गए। बस में चढ़ने लगे फिर आवाज आई, इस बस में मत चढ़ना इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इन्होंने ऊपर की तरफ देखा और पूछा भाई तू चीज क्या है जो मुझे बार बार टोक रही है। ऊपर से फिर आवाज आई,
मैं एक रूहानी ताकत हूँ जो हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। इन्होंने तुरंत कहा तो रूहानी ताकत, तो उस दिन कहा मर गई थी जिस दिन मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था। ये स्थितियां होती रहती हैं इनके साथ। इनकी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं आपको बताऊं, ये सामने वाले को सलाह देते हैं, जबरदस्ती देते हैं और कई बार तो जेब से पैसे खर्च करके भी देते हैं। इनकी इस सलाह को लेकर मैंने एक बहुत छोटी सी कविता लिखी, पहले वो आपको सुना देता हूं। जब डेढ़ साल के अंदर ही मर गई इनके मित्र की चौथी घरवाली, चौथी हाँ जी, जब डेढ़ साल के अंदर ही मर गई इनके मित्र की चौथी घरवाली, तो इन्होंने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं ना छूटेगा, हर चार महीने बाद घुड़चढ़ी अपनी घोड़ी खरीदी क्यों नहीं लेता, किराए में कहां तक रुकेगा। सलाह काम कर गई पर हायरे मुकद्दर, चार महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। तो इनकी ऐसी सलाह ऐसी होती है। अभी तो पीछे रावण दिल्ली आया, भाई सच बता रहा हूं मैं, कसम इंडिया टीवी की एकदम सही बात है। तो उस बेचारे का क्या हाल हुआ, वो किस संगत में फंस गया, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। मुझे तो ध्यान है एक आदमी बहुत ज्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहां से इतनी पीकर आया था। कहने लगा कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने कहा किनके साथ बैठ लिया। कहने लगा हम चार दोस्त थे, एक बोतल थी, तीन पीते नहीं थे। बहुत अच्छे, बराबर देखिए। तो आदमी ऐसी संगत में भी फंस जाता है। पीने वालों से मुझे एक बात और याद आ गई, वो चार रुपये कड़े एक मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, तो एक का पांव एक कब्र पर पड़ गया, दूसरे ने टोक दिया, बोला अरे देख के चल नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला फिर ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। अच्छा साहब आप बढ़िया से बढ़िया काम कर लो, लेकिन आपके मुकद्दर में अगर बुराई मिलनी लिखी होगी तो आपको मिल जाएगी, आप बच नहीं सकते। आपको पता होगा मोदी जी ने एक बड़ा काम किया, जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं इनसे शराब की दुकानें हटा दी, ठेके बंद करा दिए, एक्सीडेंट होते थे, अच्छा काम था। लेकिन भाग्य में बुराई मिलनी लिखी थी तो मिल गई। एक लुगाई बैठे बैठे मोदी जी को उलाहना दे रही थी, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया, बात को समझना, बात को आप पकड़ लेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया, पहले अच्छा खासा बाहर सड़क पर ही पड़ा मिल जाता था। बहुत अच्छा, बहुत महीन है, दूर का। हाँ ठीक है, पहुंच गए ना वो 500 मीटर 1000 मीटर अंदर। वो मुझे ध्यान है हाईवे से दो दोस्त आ रहे थे, तो एक का मूड बन गया, बोला यार बहुत सुहावना मौसम है, दो दो घूट लग जाए तो मजा आ जाए। दूसरे ने कहा इतना बढ़िया मौसम चल रहा है अपनी गाड़ी का, जल्दी घर पहुंचेंगे, छोड़ कौन अंदर जाएगा 500 मीटर 1000 मीटर, फिर कौन बाहर आएगा। तो पहले वाले ने क्या शानदार तर्क दिया, बोला एक बार अंदर जाना ही तो है, फिर तो वहीं से हाईवे शुरू। तो ये स्थितियां होती है। रावण की दिल्ली यात्रा एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। ब्लैक ब्लैक लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया, अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति वो दशानन आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति वो दशानन आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। बहुत अच्छे, निराश मायूस लंकेश चेहरे पे उदासी मन में क्लेश लिए वो हमसे टकराया, बोला भाई साहब आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए, त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वाह, त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का, 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था, वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था
सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरस जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। और मित्रों अगली पंक्तियां आप तक पहुंचे तो एक एक श्रोताओं का समर्थन मुझे चाहिए। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरुषी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहां राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। बढ़िया। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू खा कर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनते ही रावण रुवासा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए, कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए, पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं यही सोच कर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता, तो मेरा क्या हाल। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और मित्र एक बहुत विशेष कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। बहुत जरूरी कविता भी, मैं इसको समझता हूँ। मैंने एक देश की बहुत बड़ी समस्या पर यह कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है मिलावट की खिलावट। खाने पीने के सामान में जो मिलावट होती है उसके ऊपर यह कविता है। मेरा मानना है दुनिया का सबसे घृणित कार्य है आतंकवाद के द्वारा 10-20-50-500 लोगों की जान लेना, लेकिन उतना ही घृणित कार्य है खाने पीने के सामान में मिलावट करके माँ के पेट के बच्चे से लेके 100 साल तक के बूढ़े की जान लेना। मिलावट के इस आतंकवाद के खिलाफ ये कविता है। आप सीरियस ना हो, विशुद्ध हास्यरस की कविता है, इसमें भरपूर आनंद आपको आएगा और जो बात आपको अच्छी लगेगी आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मैं बता दूं, मैं तो पहले दिल्ली में रहता था, अभी कुछ दिनों से मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने लगा। वजह यह है कि दिल्ली बहुत महंगी पड़ती थी, मेरे तो दिवाली पर ही 100-150 रुपए के पटाखे खर्च हो गए। मैंने कहा अपने से अफोर्ड नहीं होगी, मैं नोएडा में आ गया कि यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो आपको रिवॉल्वर का मजा भी लेना हो तो खाली मुंह से ठाए ठाए कर लो, अठन्नी का भी खर्च नहीं, इसलिए मैं आ गया। तो मैं जा रहा था एक जगह, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। हाँ जी, मैं कैश पोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। उनका तो सीधा सा काम था, मुझे रोककर मेरा नाम पूछ लिया, मैंने बता दिया वेद प्रकाश। अच्छा, नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा बाबा होगा, क्योंकि बाबा इन दिनों पकड़े ऐसे ही जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहां से इस कविता की जमीन मिली। एक बारीक बात करके कविता शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा जो आश्रम हमारे ऋषियों मुनियों के समझे जाते थे, अंदर झांक के देखा तो वो ऋषि और मुनियों के निकले। वाह, ये स्थिति हुई तब एक कविता का जन्म होता है। ये संगीत अगर पीछे से बंद करा दे, अच्छा घड़ी है, ये 11 बजने का, 10 बजे हैं, ये टाइम बता रही है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, तब एक कविता का जन्म होता है मिलावट की खिलावट। चाहता हूँ एक बार आप कविता का जोरदार तालियों से पहले स्वागत कर दें, बाद में कोई लड़की नहीं। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी, वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी, पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए, कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतरे। वाह, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए, देखकर विकास की ऐसी गाथा, मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का, जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का,
जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। वाह वाह वाह। गोंद है चिपकता नहीं है, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मुझे तो आदरणीय पवार जी मिल गए, पिछले दिनों बहुत परेशान थे, मैंने पूछ लिया भाई साहब क्यों परेशान है, कहने लगे वेद क्या बताऊं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था उसमें भी कीड़े पड़ गए। बढ़िया बात, ये हालत है, बढ़िया बात। सुरेश जी अवस्थी जी, मैंने तो किसी की दो पंक्तियां सुनी पिछले दिनों, मेरी खुदकुशी के चर्चे थे शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। वाह। और किसी और की छोड़ो जी, मैंने तो खुद अपनी दो पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी, एक कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया वहां सुनी, वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां आपको आनंद आएगा। अच्छा मैं पहले बता दूं, दो पंक्तियां मुझे और याद आ गई वीर रस की। हमारे तो कवि श्रेष्ठ वीर रस के आदरणीय पवार जी यहाँ मंच पर हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे भी कवि आए जो सीधे माइक पर आते थे और लंबी लंबी कविताएं लेकर पाकिस्तान की छाती पर चढ़ जाते थे, पर महासरस वालों को इतनी लंबी कविताएं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना तो दो पंक्तियों में काम होता है। पहले वो सुन ले आप। स्वागत। मैंने लिखा, अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। बढ़िया। हाँ ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं। अब जो मैंने मिलावट पर अपनी दो पंक्तियां दूसरे के मुंह से सुनी उनका आनंद लें। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। अच्छा। ये स्थितियां तब लिखना पड़ा। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावट खोर पिता तो है पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। वाह। और मातृशक्ति यहाँ बैठी है, तब कविता की महीन पंक्तियां, कविता की बारीक पंक्तियां सौंपता हूँ आपको। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है। वाह महीन बात, बहुत अच्छी बात है। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी पांच फल नहीं उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। वाह। और मित्रों अगली बार मैं आपके मध्य आऊं न आऊं, मेरा नाम आपको याद रहे न रहे, पर जो मैं पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं निश्चित रूप से आपको जीवन भर याद रहेंगी और आपको लगे कि उसी के अनुरूप पंक्तियां, तब अपनी तालियां आप मुझे दीजिएगा। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। वाह। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। पत्नी ने कहा, सुनो जी घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। एक दिन पत्नी फिर बोली, बेटे के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो। एक विज्ञापन आता था और पिछले कुछ साल से जो दिल्ली के आसपास का वातावरण हो जाता है वो ध्यान में रखिएगा। एक दिन पत्नी फिर बोली, बेटे के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो। मैंने कहा इस शहर में इतना धुआं है, तुम ही सांस लेकर दिखा दो। वाह। मेरे तो एक मित्र ने प्रदूषण से लड़ने के लिए बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हर पेड़ के आगे पट्टी लगवा देनी चाहिए लिखकर कि हमको पेड़ों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम पेड़ों के पीछे करते हैं। अच्छे। दिल्ली में सरकार ने पॉलीथिन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथिन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा, गौर से देख, ये पॉलीथिन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है।
वाह। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वे थोड़ा आगे से आवाज बहुत कुक। दाल दाल चेहरे पर पाउडर लगाई बैठी है, मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाई बैठी है, लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। वाह। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी त्रिया का उल्टा चरित्र है। वाह। और अगली सिर्फ एक पंक्ति पर आपका स्नेह मांगता हूँ। लगता है किसी त्रिया का उल्टा चरित्र है, सब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते हैं। आहा, आहा। वाह वाह। और फिर दो पंक्तियों का आप आनंद लें। मेरा मतलब है, अगर खाली ना ऐसे खाने की एक दो प्लेट, तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी जान को अलग लफड़ा है, अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घी चढ़ा। पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा लेते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन का। बहुत अच्छे। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से, महावीर की गांधी की अहिंसा को याद करो, हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत ईजाद करो। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे, बहुत।